आईपीएल 2024 का मैच नंबर 23 जो कि मोहाली में खेला जाएगा पंजाब किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच शाम को 7:30 बजे। आज के इस वीडियो में इसी मैच का फुल प्रीव्यू करेंगे, हर प्लेयर के बारे में बारीकी से आपको बताएंगे, कौन से वो बैट्समैन है जो आज अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन से वो बॉलर्स है जो आज विकेट निकाल सकते हैं, पिच की क्या कंडीशन है, कितना स्कोर यहाँ पर बन सकता है और दोस्तों आज के मैच के अंदर किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो इस सब कुछ आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोग को क्रिकेट की फ्री मैच प्रेडिक्शंस दी जाती है। पहले बात करते हैं इन दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। पंजाब की बात करें तो सिर्फ एक चेंज देखने को मिल सकता है, अगर लिविंगस्टन फिट हो जाते हैं तो सिकंदर रजा की जगह पर वही खेलेंगे, नहीं तो फिर सिकंदर रजा ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं हैदराबाद की बात करें तो वो अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ में जाएगी, वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी क्योंकि सारे ही प्लेयर बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। दोनों ही टीमों के हेड टू हेड के बारे में बात करें तो 21 मैचेस में दोनों टीमें आमने सामने रही है, जिसमें से पंजाब ने 7 मैचेस जीते हैं और 14 मैचेस जीते हैं सनराइजर हैदराबाद ने। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो हैदराबाद ने लीड ले रखी है 3-2 से, यानी ओवरऑल में भी हैदराबाद आगे है और लास्ट 5 मैचेस में भी हैदराबाद आगे है। अब जहां पर ये मैच खेला जाएगा दोस्तों, यहां पर आईपीएल 2024 का सिर्फ एक मैच कंप्लीट हुआ है और वो था मैच नंबर 2 आईपीएल 2024 का। उस मैच के अंदर पंजाब किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच था, 174 रन स्कोर किया था दिल्ली कैपिटल्स ने और 175 का टारगेट था पंजाब के सामने और पंजाब ने उस टारगेट को आसानी से चेस कर लिया था। अच्छी पारी खेली थी सैम कुरन ने, 50 प्लस रन स्कोर किया था और बाकी के जो प्लेयर्स थे लगभग 20-30 के आसपास ही सब आउट हुए थे। वहीं बात करते हैं इस मैच के अंदर स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट ज्यादा नहीं लिए थे लेकिन रन बहुत कम खर्च किए थे। तो ये तो बात हो गई इस ग्राउंड पे पिच की। अब बात करते हैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। पंजाब की बात करें तो शिखर धवन के लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो एक इनिंग में 45 रन स्कोर किया था और एक इनिंग में 70 रन स्कोर किया था, बाकी की इनिंग्स कुछ खास नहीं रही है। जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो 22, 45, 8, 9 और 29 रन स्कोर किया है। सिमरन सिंह की बात करें तो 35, 19, 25, 26, 24। सिमरन सिंह नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है लेकिन अपनी पारी को कभी भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। अगर 6 ओवर में अगर इसकी बैटिंग आ जाती है तो कन्फर्म है कि 6 ओवर का सेशन यस कर देगा लेकिन उसके बाद ही तुरंत आउट भी हो जाएगा, तो ये इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट है। वहीं बात करते हैं सैम कुरन की तो 5 रन एक मैच में बनाए थे, विकेटलेस रहे थे, एक मैच में 3 विकेट लिए, एक मैच में 23 रन स्कोर किया था, साथ में एक विकेट भी लिया था, एक मैच में 63 रन स्कोर किया था, विकेटलेस रहे थे और ये वही मैच है जो यहाँ पर खेला गया था आईपीएल 2024 का मैच नंबर 2। एक मैच में 7 रन स्कोर किया था और साथ में 2 विकेट भी लिए थे। वहीं बात करते सिकंदर रजा की तो 15 रन स्कोर किया, 6 रन, 22 रन, 4 रन और 17 रन और एक बार एक विकेट मिली थी और एक बार एक विकेट मिली थी इन्हें। वहीं बात करते जितेश शर्मा की तो उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, 2 इनिंग्स में 27 और 28 रन स्कोर किया था, बाकी में तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। वहीं बात करते आशुतोष शर्मा की तो 31 रन स्कोर किया था एक मैच के अंदर, जिसमें काफ़ी अच्छी पारी खेली थी और शशांक के सामने एक अच्छी पार्टनरशिप रखी थी जिस वजह से वो मैच को जीत पाई थी। वहीं बात करते हरप्रीत ब्रार की तो लास्ट के 4 मैचेस के अंदर तो हर बार विकेट निकाली है, 1-1, 2-1। हर्षल पटेल की बात करें तो एक मैच में 2 विकेट मिली थी, बाकी मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। रबाड़ा की बात करें तो 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब हर मैच में विकेट निकाल कर दे रहा है रबाड़ा आपके लिए। अर्षदीप की बात करें तो एक मैच में विकेटलेस रहे थे, उससे पहले 2 विकेट, फिर विकेटलेस, फिर 2 विकेट और 3 विकेट, मतलब जब भी विकेट मिलती है ना गुच्छे में विकेट मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर्स के बारे में। ट्रेविस हेड की बात करें तो वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने आते हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, साथ में उनका अभिषेक शर्मा होते हैं वो भी तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। दोनों की इनिंग्स की बात करें तो 31 रन, 19, 62, 18 और 21 रन स्कोर किया है ट्रेविस हेड ने। अभिषेक शर्मा की बात करें 37, 29, 63, 32 और 7 रन स्कोर किया था और 2 विकेट भी लिए थे, मतलब पावर प्ले के तो दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद बात करते हैं एडन मकरम की जो कि पारी को बहुत अच्छे से संभालते हैं और अच्छे से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट मैच में 50 रन स्कोर किया था, उससे पहले 17, 42, 18, 25 रन स्कोर किया था और साथ में एक विकेट भी लिया था उस मैच के अंदर। क्लासन की बात करें तो 10 रन, 24, 80, 63 और 9 रन स्कोर किया था, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगर डेथ में इनकी बैटिंग आती है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, अगर 15-20 बॉले खेल गए तो कन्फर्म है कि 30-40 रन तो कहीं नहीं गए इनके।
वहीं बात करते हैं अब्दुल समद की, 29, 15, 103 रन स्कोर किया था, 20 और 10 रन स्कोर किया। वहीं दोस्तों बात करते हैं नितेश रेड्डी की, तो 14, 7, 20, 53 और साथ में विकेट भी मिले थे, 1 3 विकेट और 1 2 विकेट मिले थे इन्हें। मतलब अच्छे ऑलराउंडर है, विकेट निकाल कर देते हैं अगर इनकी बॉलिंग प्रॉपर आती है तो। वहीं बात करते हैं शहबाज अहमद की, तो इन्होंने भी लास्ट के कुछ इनिंग्स में काफ़ी अच्छे हिट लगाए थे, तो अगर इनकी बैटिंग ऊपर आ जाती है तो पारी को अच्छे से संभाल सकते हैं और साथ में विकेट भी निकाल कर देते हैं। वहीं बात करते हैं पैट कमिंस की, तो भाई हर मैच में विकेट निकाल कर दे रहे हैं, तो ये भी जैसे जिस तरीके से रबाड़ा कर रहे हैं पंजाब के लिए, हर मैच में एक ना एक विकेट निकालते हैं, उसी तरीके से पैट कमिंस है, वो भी हर मैच में एक ना एक विकेट निकाल ही रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 3 मैचेस में तो विकेटलेस रहे थे, लेकिन 1 मैच में 1 विकेट और 1 मैच में 2 विकेट मिली थी उन्हें। मयंक मार्कंडे की बात करें तो 1 मैच में 4 विकेट मिली थी, फिर 2 विकेट, 0, 1 विकेट और 0 विकेट मिली थी इन्हें। वहीं बात करते हैं जयदेव उनादकत की, तो 2 मैचेस के अंदर 2 विकेट मिली और 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट मिली और 1 मैच में विकेटलेस रहे थे। वहीं टी नटराजन की बात करें तो लास्ट 3 इनिंग के अंदर 3, 3 और 1 विकेट इन्हें मिली है। तो ये तो बात हो गई दोनों ही टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई वो कौन से बैट्समैन है जो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, कौन से वो बॉलर्स है जो लगातार विकेट निकाल रहे हैं। तो ये देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जब ये बॉलर बॉलिंग कराने आएगा तो जाहिर सी बात है विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है, और वो बैट्समैन अगर बैटिंग करने आए हैं तो जाहिर सी बात है उनका स्ट्राइक रेट किस तरीके से है, ट्रेविस हेड है, अब्दुल समद है, एडन अकरम है, जाहिर सी बात है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छा स्कोर करते हुए नजर आएंगे। जॉनी बेयरस्टो है, शिखर धवन है, ये बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं अगर इनकी सेकेंड इनिंग आ रही है, फर्स्ट इनिंग आ रही है तो अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोनों ही टीमों की बात करें पॉइंट्स टेबल में तो 4-4 मैच अपने कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों ही टीमों ने 2-2 मैचेस जीते हैं। हैदराबाद की बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है कंपैरिजन करें पंजाब से। बैटिंग की बात करें तो ज़्यादा स्ट्रांग है हैदराबाद, लेकिन बॉलिंग की बात करें तो पंजाब थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि पंजाब का बॉलिंग अटैक ज़्यादा अच्छा है कंपेयर करें हैदराबाद से। वही दोस्तों बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये मैच आपको आज काफ़ी कलरफुल देखने को मिल सकता है। जो भी टीम फर्स्ट बैट पे आएगी लगभग 200 के आसपास टारगेट बना सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस टारगेट को सेकंड बैट जो भी आए वो आसानी से चेज भी कर सकती है। तो ये मैच मेरे हिसाब से काफ़ी कलरफुल होगा और आप लोग के लिए जैकपॉट मैच बन सकता है। बट ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पहला बैट जो कर रही है वो कितना स्कोर करती है, अगर वो स्कोर 200 के आसपास कर लेती है तो ही ये मैच जैकपॉट बनेगा। अब बात करते हैं कुछ फैंटेसी टिप्स के बारे में। ये 2 प्लेयर है जो आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। राहुल चहर की बात करें तो वो अपने हर मैच के अंदर लगभग 40 पॉइंट देते हैं अपनी टीम को। वहीं बात करते हैं अब्दुल समद की, तो उन्होंने इस ग्राउंड पर 2 कैच पकड़े और साथ में ही 91 रन स्कोर किया है। इनिंग कंपैरिजन की बात करें तो शिखर धवन, जब भी उनकी बैटिंग फर्स्ट होती है तो उनका एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बैटिंग सेकंड में उनका एवरेज बहुत ज़्यादा गिर जाता है। बैटिंग फर्स्ट में उनका एवरेज 56 का है, लेकिन बैटिंग सेकंड में उनका एवरेज 20 का ही रह जाता है, यानी चेस करते टाइम शिखर धवन फंसते हैं। वहीं बात करते हैं जॉनी बेयरस्टो की, तो लास्ट 7 मैचेस के अंदर 5 मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी है। वहीं बात करते हैं हरप्रीत बुमराह की, तो लास्ट 7 मैचेस के अंदर जो 5 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें 17 विकेट चटकाए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैट्स है हरप्रीत बुमराह के और जॉनी बेयरस्टो के। अब बात करते हैं इनफॉर्म प्लेयर्स के बारे में। हेनरिक क्लासन की बात करें तो वो जस्ट निकोलस पूरन के पीछे ही है। उन्होंने 2023 से 52 मैचेस के अंदर 116 छक्के जड़े हैं, तो आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अच्छे टच में नजर आ रहे हैं हेनरिक क्लासन। वही बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, तो लास्ट टाटा IPL में जो उन्होंने मैचेस खेले हैं 84 के एवरेज से खेले हैं, तो मतलब यार भाई बहुत ही अच्छा एवरेज है अभिषेक शर्मा का। वहीं बात करते हैं सैम पूरन की, तो 98 रन स्कोर किया है, 6 विकेट चटकाए हैं। शहबाज अहमद ने 61 रन बनाए हैं और 4 विकेट चटकाए हैं लास्ट के जो 5 मैचेस खेले हैं उनके अंदर। वही बात करते हैं बैटर वर्सेस बॉलर्स के बारे में। पैट कमिंस की बात करें तो उन्होंने शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो को लास्ट 3 मैचेस के अंदर 2 बार दोनों को 2-2 बार आउट किया है। तो पैट कमिंस के सामने जब भी शिखर धवन रहे हैं और जॉनी बेयरस्टो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आउट होते हुए दिखे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज की हमारी डेमो टीम के बारे में। विकेट कीपर मैंने दोनों को पिक किया है, जॉनी बेयरस्टो और हेनरिक क्लासन, क्योंकि भाई अगर हेनरिक क्लासन की बैटिंग आ जाती है तो जाहिर सी बात है वो भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, और जॉनी बेयरस्टो जाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर में खेलने आते हैं तो भाई चल जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे पॉइंट्स देते हुए नजर आ जाएंगे। बैटर्स की बात करें तो शशांक सिंह और ट्रेविस हेड मैंने दोनों को पिक किया है। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर्स में, तो सैम कुरन, एडन मकरम और लिविंगस्टन को पिक किया है। अगर लिविंगस्टन नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर आप सिकंदर रजा को पिक कर सकते हो। वहीं बात करते हैं बॉलिंग अटैक की, तो अर्शदीप सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और हरप्रीत बुमराह को मैंने पिक किया है।
अब दोस्तों बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की। आंकड़ों के बेसिस पे देखा जाए तो नो डाउट यार हैदराबाद थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, हेड टू हेड में भी बहुत ज्यादा आगे है, तो इस मैच को हैदराबाद जीत सकती है। 60% चांसेस है कि हैदराबाद इस मैच को जीतेगा, बाकी 40% चांसेस है कि पंजाब भी इस मैच को जीत सकता है। अगर पंजाब सेकंड बैट पे आती है तो ये मैच काफी अच्छा जैकपॉट मैच बन सकता है। तो चलिए मिलता हूं आप लोग को टेलीग्राम पर, जो भी अपडेट होगा टॉस के बाद वो टेलीग्राम पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो करना क्या आप लोग को, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम पर मिलिए मेरे से।